राधे राधे ठाकुर जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो भगवान से आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस, आप ये मत सोचना कि आप रोज काला कैमरा इन पर लगाते हैं, क्योंकि इनसे बातें कर कर और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी शुरुआत ठाकुर जी से ही होती है। तो सुबह ही पूजा पाठ करके और फिर से मैं ठाकुर जी के पास आती हूँ, अपनी बातें करती हूँ इनसे, थोड़ी सी बातें करके फिर अपने काम पर लगती हूँ। तो इनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह मेरे चार ठाकुर जी, राधे राधे ठाकुर जी। तो ये बैठ गए हैं, इनका नाश्ता हो गया है, इनके नहाकर और नाश्ता कर कर बैठ गए हैं। पूजा भी हो गई है, देखो दरबार भी मैंने बंद कर दिया है और अब करूँगी खाने बनाने की तैयारी। साफ सफाई, साफ सफाई तो मेरी 4 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन बच्चे फिर फुलाकर चले जाते हैं, तो इसलिए फिर से मैं झाड़ू और उसमें रख जा किचन में लग जाती हूँ। तो पहले तो मैं आकर अपने ठाकुर से बात करती हूँ। 8:30 बज चुके हैं और अब करूँगी साफ सफाई। ये हैं कपड़े, तो कपड़े तो धोए जाएंगे 10 बजे, क्योंकि लाइट 10 बजे ही आएगी, अब तो 5-7 मिनट को ही आती है। और देखो ये बनाया था मैंने सामग्री के लिए, इसे अच्छे से पकाऊंगी चूल्हे में डालकर और फिर इसमें अंगारी पे सामग्री डालना करूँगी अपने घर में धुने देने के लिए। और ठाकुर जी के कपड़े धोकर फैला दिए हैं, कल मैंने लेट धोए थे तो ये सूखे नहीं थे, इनकी नेकर भी नहीं सूखी थी, तो सुबह फैलाने में दिक्कत हुई, तो आज मैंने सवेरे धोकर डाल दिए हैं। और दूध भी हमारा पक चुका है, देखिए बर्तन भी साफ कर दिए हैं, लगा दिए हैं स्टैंड में, और कपड़े भी धोकर कपड़े भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये वाइट है लकी के पापा जी के, और पापा जी के कपड़े पहले निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि वाइट कपड़े हैं और उसके बाद धोगे सारे ये कपड़े। तो 10 बजे लाइट आएगी, 10 बजे ही धोऊंगी, तब तक बना लेती हूँ खाना। और आज 3 दिन हो जाएंगे सर, अनाज को 3 दिन से सूख रहा है, तो आज ही ना भर कर रख दूँगी और फिर और धोऊँगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो जाए, अड्डों में कम धूप निकला। और ये देखो अनाज की तलाश में कैसे बैठे, कहाँ गए ये देखो, आकर अनाज भी बैठो हो तो। अभी घी निकाल लूँगी, घी नहीं निकला कि अभी एक मेहमान आ गया था, उनके लिए दोबारा से नाश्ता बनाया मैंने। बच्चे इतने हराम हैं, बच्चों को अगर दूध पे मलाई दिख जा या घी दिख जा तो काट के किसी प्लेट वगैरह में धरी देंगे, पर खाने के नहीं, इतने हराम बच्चे हो रहे मेरे। दूध से तो डरा, अब पता नहीं मम्मी ने क्या दे दिया, मैं चाय दे दो, चाय तो खूब पिलेंगे भर भर के, पर दूध ना दिखाओ। मैम जी चाय दो, पैसे बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी। तो अब जब ये है लौकी जो पापा जी लाए थे कल, और टमाटर, ये प्याज, तो अच्छी चटपटी सी बनाऊंगी ताकि बच्चे लौकी खा सकें, यानी बच्चे ये हराम है वो, तो लौकी को भी इनकार कर देंगे तो ही। तो बच्चों को तो बस ऐसा चाहिए जैसे पनीर आज खा गई, मम्मी रोज पनीर पाड़ लेगा, तो अगर ठीक है रोज दूध पकाए पनीर पाड़ लेना, मट्ठा और ना दूध, तो ऐसे है मेरे बच्चे। लौकी धोकर कर दी है साफ, डाल दिए है जीरा और प्याज, हरी मिर्च, ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार, तो मुझे डालूंगी इसमें लौकी। नाच में ही खाइए, तो बाहर से नहीं खा सकता, सारा खिंडा के घेर देना नाच करना। अरे कबूतर बहुत ढेटे हो रहे हैं, या कबूतर चुग हो जाएंगे ऐसा पता, मारने की तो ही नहीं है, तो बस रुके रुके करेगी, तो इसलिए भागते भी नहीं, मैं खाओ जाऊँ और भाग भाग जाओ, तो वहाँ जा ले जा उसके पीछे, देख वाले निकल कर आलिया, थोड़ा सा खाऊंगी तो चले जा आलिया, तो भी देख आके बैठेगी बीच में ही, दो रहे थे ना अनाज के रखे हो सारी खाने की,
देख अब कितना शरीफ बनना, अब तो धोरे धोरे पकाओ जाकर, मैं इधर उधर इसमें पड़ जाएगा नाज में ही। आज कर पिटूंगी तुझे मैं। दोनों कबूतर ऐसे ही हैं, डरते नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहीं पर है ना। तो 10 बज चुके हैं और सब्जी मेरी बन गई है। चूल्हे पर रख दिया है तवा, तो आटा रख दिया है गूंद कर, तो बनाऊंगी रोटी, क्योंकि धूप मेरे चूल्हे पे ही आ चुकी है। और ये रही हंडी पतीली, सब कुछ मैंने धोकर रख दिया है धूप में। और इधर चला रखी है मैंने कपड़े धोने की मशीन, तो उसमें डाल रखे हैं पापा जी कपड़े, क्योंकि 10 बजे बिजली आती है और मशीन हो गई है चालू। तो ये कपड़े तो इधर धोए जाएंगे कपड़े, और मैं बनाऊंगी पहला रोटी, कपड़े निकाल लूँगी बाद में, क्योंकि चूल्हे पर धूप आ चुकी है, नहीं तो फिर मुझे गैस पर बनानी पड़ेगी। तो इसलिए पहला रोटी का ही काम निपटा लेती हूँ। हाँ भाई, आज तो कर दी पूरी माता, आज माता रानी पूरी हो गई, ठीक बिल्कुल, आज तो शेर पे बिठा दी। बस फिर कलर हो जाएगा। कैसे लगी माँ? अरे बिल्कुल बड़ी सोनी लग रही माता, जब कलर लगेंगे ना, जब देखे कलर लग जाने, जब देखे तो माँ को, देखो जी बना देने वाले लोग आएंगे जी, बस मेरे लिए भी तुम बना देते। देखो ये आज सच है, ये शेर का मुंह है और ये पाँव है, ये माँ का, ये शेर के पाँव है, माता का पाँव है, और फिर ये है, सारी ये कमल है, ये त्रिशूल है, ये तलवार है, ये बेटे, ये तो सेम टू सेम बना, तलवार और चूड़ी है, कंगन है, ये जितने मैं मुझे नहीं सोच रही कि मैं माँ की पहनूँ। अच्छा, और माँ का देख, मेरी माँ की नथने भी बना दी यार, कन्नों में रेडीमेड करेगी माँ, जब रहेंगे जाके जब देखे तो माँ को भी कहाँ। अच्छा, ये फूल है जो रेड कलर का होगा, ये कन्नों के लटकवा जो डबल जंजीर पहन रही है, मेरे माना भी मेरा तरह शौक रहा है डबल ही होगा, और फिर यहाँ कन्नों में भी लटकवा पहन लेगी, ये नथली लॉन्ग बिंदी और ये टिक्का, ये बाल सर यहाँ तक आ रहे हैं। जब रंगी जागी एक बार तो मैं जब दिखाऊंगी ना, रंगने के बाद तो बहुत सुन लेगी माता जी। आज मैंने ही ना बैठा दी शेर का, तो जी हाँ जी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो माँ के भक्त, बोलो माता के भक्त की जय, बोलो शेरों वाली मैया की जय। माता जी को नु कहता माता जी हमारा चैनल चला दो, तो माँ के भक्त जो आप हमें देख रहे हैं प्लीज, हम ये तो कहें नहीं कि माँ के नाम का हमें लाइक कीजिए, अपने आप ही सोच समझ के हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम कोई कहते ना कोई भगवान का आर्ड ले रहा, कोई कृष्ण जी की आर्ड ले रहा, कोई माँ शेरवाली का आर्ड ले रहा, तो हम तो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे किसी के लेते हैं, आप सोच समझ के हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता, आप सबका प्यार और माँ का आशीर्वाद सदा बने। जय माता। यहाँ पे फलावा फला रखा है, यहाँ पे इन्हें फलावा फला रखा, देखे सारे जंगल किताब ही किताब। अरे मम्मी डिनर कर रही,